Hello everyone welcome to my channel psycho study i am nishu raval and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology on courses of ignu and i hope that you will like the content so before jumping to the video don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon hi everyone welcome back to my channel so in this video we are going to start a new unit a new block which is bpcc 107 social psychology this key unit 1 start with introduction to social psychology इसमें हम लोग डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन है क्या नेचर है कहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या इसका स्कोप है सोशल साइकोलॉजी का और क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है सोशल साइकोलॉजी की अर्ली ईयर्स में क्या थे क्या इसके फॉर्मेशनल ईयर्स थे ठीक है एक्सपेंशन कैसे हुआ सोशल साइकोलॉजी का और साथ में इंडिया में सोशल साइकोलॉजी कब आई और हम इसमें क्या पढ़ते हैं ठीक है तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लोर करेंगे इस यूनिट में तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन एंड नेचर डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी से सबसे पहले क्या है डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी तो सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है काफी बेसिक है सोशल साइकोलॉजी स्टडीज हाउ वी फील थिंक एंड एक्ट टवर्ड्स पीपल अराउंडर्स क्योंकि हम साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि हम कि लोग क्या सो रहे हैं क्या क्या पढ़ रहे हैं ठीक है क्या फील कर रहे हैं ये सब हम लोग पढ़ते हैं बट यहाँ पे सोशल वर्ड आ गए तो हम लोग इस सोशल uh, साइकोलॉजी में बेसिकली क्या स्टडी करेंगे कि हाउ वी फील थिंक एंड एक्ट टवॉर्ड्स पीपल अराउंडर्स ठीक है आस पास के लोग यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे इट लुक्स एट हाउ आर फीलिंग्स थॉट्स एंड एक्शंस आर इन्फ्लुएंसड वाई इसमें हम देखते हैं कि क्या किस तरीके से हमारी फीलिंग्स हमारे थॉट्स और एक्शंस दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस करे जाते हैं ठीक है कैसे दूसरों की प्रिसेंस ठीक है दूसरे हम जब ग्रुप में होते हैं या फिर बाहर होते हैं सोशल सेटिंग्स में होते हैं तो वहाँ पर दूसरों की प्रेजेंस किस तरीके से हमारे फीलिंग्स को थॉट्स को रैक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं ये हम पढ़ेंगे और जब साइकोलॉजी की बात आती तो है, है? है तो साइकोलॉजी क्या एक साइंटिफिक स्टडी है ठीक है साइकोलॉजी क्या है साइंस है तो यहाँ पर साइंटिफिक मैथड्स का हम लोग यूज़ करते हैं इन इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन करने के लिए समझने के लिए इट कंसिडर द एक्चुअल इमेजिन और एम्प्लाइंड प्रेजेंस ऑफ अदर्स और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो एक्चुअल प्रिसेंस है सिर्फ उसको नहीं देखेंगे बल्कि जो इमेजिड और इम्प्लाइंड प्रिसेंस है उसको भी देखेंगे कि अगर हम सोचते भी हैं कि हम बहुत लोगों के बीच में तो उस टाइम पर भी हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है तो उसको इन्फ्लुएंस करता है तो वो चीज़ भी हम लोग स्टडी करते हैं तो यह है बेसिक डेफिनेशन सोशल साइकोलॉजी की अब नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक आ जाता है नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी ठीक है कि आ, सोशल साइकोलॉजी का क्या नेचर है और जब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें तीन मेन टॉपिक्स तीन मेन हेडिंग्स हमें याद रखनी है नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी में फर्स्ट है सोशल साइकोलॉजी अप्लाई साइंटिफिक मैथड्स ऑफ स्टडी कि सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं फर्स्ट ये हैडिंग सेकेंड सोशल साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल्स थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर सेकंड ये बात हमें याद रखनी है और थर्ड हमें बात याद रखनी है सोशल साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन सोशल कॉन्टेक्स ये तीन चीजें हमें याद रखनी है नेचर के बारे में सोशल साइकोलॉजी के ये तीन हेडिंग्स कंपलसरी है मतलब ये ऐसे ही लिखनी है इसको आप चेंज नहीं कर सकते ठीक है तो ये आप लिखना है और इसके अंदर के पॉइंट्स आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिख सकते हैं आपको क्या समझ में आता है तो नेचर क्या सोशल साइकोलॉजी का फर्स्ट इसमें है, रिंग है सोशल साइकोलॉजी अपला साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी कि सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक मेथड्स का यूज करती है ठीक है अपने खुद के हमारे क्या थॉट्स है फीलिंग्स है उसके बेसिस पर हम लोग नहीं चलते हैं कि मुझे क्या लगता है हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं स्टडीज के सोशल साइकोलॉजी क्या है साइंटिफिक है, है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट का हम लोग इसमें यूज करते हैं इसमें हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो भी रिजल्ट होते हैं वो डिटेल्ड होते हैं सो अदर्स कैन वेरीफाई दैम ठीक है तो दूसरे लोग भी उन्हें वेरीफाई कर सकते कि मैंने कोई थेरी बनाई है कोई रिसर्च करी है सोशल साइकोलॉजी में तो दूसरे लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं इट डिस्क्राइब्स एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्स सोशल बिहेवियर सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करते हैं किसी भी बिहेवियर को किसी भी फिनोमिन को इवेंट को उसको एक्सप्लेन करते हैं जो फ्यूचर में क्या हो सकता है उस चीज़ को हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं इट प्रोवाइड साइंटिफिक अकाउंट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन नॉट बिलीव्स जैसे कि हमने पहले पढ़ा है जो हमारी मेन हेडिंग क्या किया साइंटिफिक स्टडी है ठीक है साइंटिफिक मेथड्स का हम इसमें यूज करते हैं अपने बिलीव्स का यूज नहीं करते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन का इसमें यूज करा जाता है इट एक्सप्लेन वाई पीपल बिहेव इन सर्टन वेज सोशल साइकोजी क्या बताते हैं कि, कि हम लोग इस सर्टन वे में क्यों बेहेव करें कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इस तरीके से ही क्यों बेहव करें ये हम इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं दीज एक्सप्लेनेशन फॉम थियरीज टू प्रिडिक्ट एंड मैनेज बिहेवियर्स और ये एक्सप्लेनेशन हमें इसमें हेल्प करते हैं कि थियरीज को बिल्ड करने में एंड विद द थियरी वी कैन प्रिडिक्ट एंड मैनेज बिहेवियर्स ठीक है तो ये हो गया सोशल साइकोलॉजी क्या है साइंटिफिक मैथड्स को अप्लाइज करते हैं कि स्टडीज में सेकेंड हैरी हमारी सोशल साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल्स थाट्स फीलिंग एंड बिहेवियर ये चीज हमने डेफिनेशन में पढ़ी वो चीज इसकी नेचर में भी आएगी कि सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम पीपल कि लोग किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं ये जो कॉग्निशन है हम किस तरीके से परसीव करते हैं दूसरे लोगों को उसको भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं ठीक है थीके? कि क्या दूसरों के बिलीव्स हैं थाट्स हैं फीलिंग्स हैं इट लुक्स एट थाट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स इन सोशल कॉन्टेक्ट्स कि हम लोग क्या करते हैं सोशल साइकोलॉजी में कि किस तरीके से क्या थाट्स हैं फीलिंग्स और बिहेवियर हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं इट एक्सामिन बिहेवियर्स लाइक कॉपरेशन हेल्पिंग कंफ्लिक्ट एग्रेशन प्रो सोशल बिहेवियर ये सब हम लोग ये सब तरीके के बिहेवियर्स हम लोग इसमें स्टडी करते हैं थर्ड है इसमें हे सोशल साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट जो इसकी मेन बेसिक बात है कि जब हम सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को किस सेटिंग में पढ़ेंगे स्पेशली सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझेंगे इस स्टडीज थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर इन बाय अदर्स इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या थॉट्स है फीलिंग्स और बिहेवियर है किसी भी पर्सन के थॉट फीलिंग्स और बिहेवियर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरों के प्रेजेंस में द सोशल कॉन्टेक्ट्स कैन भी रियल इमेजिनड और एम्प्लाइड कि सोशल कॉन्टेक्ट क्या हो सकता है कि रियल हो सकता है ठीक है जब हम रियलिटी में हम बहुत सारे लोगों के बीच में वो हो सकता है या फिर हम सिर्फ सोच रहे हैं कि अच्छा मैं एक स्टेज पर हूँ बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं किस तरीके से परफॉर्म मुझे करना चाहिए तो वहाँ पर वो इमेजिन जो पॉपुलेशन है ठीक uh, है जो अदर्स हैं उनको भी उस कॉन्टेक्ट को भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे वो कॉन्टेक्स मिलेंगे इट ऑल्सो एग्जामिन नो सोशल फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर और यहाँ पर हम जो नॉन सोशल फैक्टर्स हैं ठीक है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनको भी जो नॉन सोशल फैक्टर्स है उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सोशल बिहेवियर को समझने के लिए ठीक है उनको भी हम लोग एग्जामिन करेंगे कर्ट लिविन प्रोपोज दैट सोशल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ सिचुएशन एंड इंडिविजुअल्स कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो कर्ट लिविन है जिनको की फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है तो इन्होंने क्या कहा था कि भाई जो किसी पर्सन का बिहेवियर होता है ठीक है जो हमारा सोशल बिहेवियर होता है बेसिकली जो सोशल बिहेवियर है वो सिचुएशन से भी इन्फ्लुएंस होता है साथ में जो इंडिविजुअल के करेटरिस्टिक्स हैं यानी कि जो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो उसके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे भी इन्फ्लुएंस होता है तो ये दोनों दो जो चीजें हैं ये दोनों मिलकर के सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं तो अब तक हमने पढ़ा है कि क्या डेफिनेशन है सोशल साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन दो तीन पॉइंट्स हमने उसमें पढ़े ठीक है साथ में हमने पढ़ा है अब तक कि क्या नेचर है सोशल साइकोलॉजी है जिसमें तीन मेन हेडिंग्स है हमारी फर्स्ट की सोशल साइकोलॉजी क्या है साइंटिफिक मेथड का यूज करती है सेकंड इसमें हम इंडिविजुअल्स के थॉट फीलिंग्स और बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं थर्ड मेन पॉइंट कि इसमें ये थर, ये जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है ये हम किस में पढ़ते हैं एक सोशल सेटिंग में ठीक है सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो ये है नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि क्या स्कोप होता है सोशल साइकोलॉजी का नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया सोशल साइकोलॉजी का क्या स्कोप है ठीक है तो क्या स्कोप है क्या क्या चीजें कवर होती हैं सोशल साइकोलॉजी में फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट की सोशल साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल का बिहेवियर के कोई भी इंडिविजुअल किस तरीके से इंटरेक्ट करता है दूसरों से या सोसाइटी से वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं इसमें एटीट्यूड्स के बारे में स्टडी करी जाती है जाते एटीट्यूड वो नहीं कह रहे इसका तो बहुत आ, ये तो इसका तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है या तो ये तो बहुत एटीट्यूड में रहता है एटीट्यूड का मतलब होता है कि हम हाउ पीपल फील अबाउट थिंक अबाउट एंड एक्ट वर्ड्स डिफरेंट पीपल यानी कि हमारे क्या बिलीव्स हैं एटीट्यूड में क्या आ जाते हैं हमारे बिलीव्स कि हम किस तरीके से लोगों को परसीव करते हैं या फिर मेरा क्या मानना है वो सब एटीट्यूड के अंदर आ जाता है ठीक है तो हम एटीट्यूड्स को भी हम स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में ठीक है कि आ, किस तरीके से हम क्या सोचते हैं ठीक है या फील करते हैं किस तरीके से एक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिफरेंट तरीके के तरीके से बिहेव करूँगी फैमिलीज़ के साथ जो रिलेटिव हैं उनके साथ अलग तरीके से बिहेव करेंगे सब्डियंस के साथ फ्रेंड्स के साथ सबके साथ अलग तरीके से मैं उनको परसीव करूँगी और उनके बारे में सोचूंगी दिस इंक्लूड्स हाउ एटीट्यूड्स फॉर्म इसमें हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से एटीट्यूड फॉर्म होते हैं डेवलप कैसे तरीके से होते हैं चेंज कैसे होते हैं और कैसे हम लोग दूसरों से कैसे हम बिहेवियर को रिलेट करते हैं सारी चीज़ें हम लोग एटीट्यूड में पढ़ते हैं और एटीट्यूड को हम सोशल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं फिर हम सोशल कॉग्निशन के बारे में भी इसमें स्टडी करते हैं कि सोशल मीन्स क्या सोशल कॉन्टेस्ट के यहाँ पर बात होगी कॉग्निशन मींस हमारी मेंटल प्रोसेसिस हमारी परसेप्शन थिंकिंग ठीक है और रिकग्नाइजेशन मेमोरी ये सारी चीज़ें किस में आ गई कगनीशन में तो हम कग्नीशन वाला जो इतना भी पार्ट है वो हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोगों को परसीव करते हैं उनके बारे में सोचते हैं उनको याद रखते हैं और सोशल सिचुएशंस को याद रखते हैं और उनसे रिलेट करते हैं इसमें हम पर्सन परसेप्शन ठीक है सोशल कॉन्गिडिशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाते हैं कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं पर्सन परसेप्शन अट्रीब्यूशन ठीक है स्कीमाज और स्टीरोटाइप इन सबके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में फिर है सोशल इन्फ्लुएंस इट एग्जामिन हाउ पीपल्स थॉट्स बिलीव्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर आर अफेक्टेड बाय अदर्स बेसिकली जो सोशल साइकोलॉजी का मेन हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि कैसे हमारे खुद के थॉट्स फीलिंग्स और बिहेवियर दूसरों को अफेक्ट कर सकते हैं कैसे दूसरों की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो बिहेवियर चेंज होता है ये हम लोग देखेंगे इसमें सोशल इन्फ्लुएंस को पढ़ते हैं फिर प्रो सोशल बिहेवियर के हम क्यों दूसरों की इतनी ज्यादा मदद करते हैं ठीक है हम क्यों दूसरों को आ, या फिर जैसे जो लोग हैं जो एन जी ओ में काम करते हैं अब एन जो में उनको काम करके कुछ नहीं मिल रहा है ठीक है कहीं से उनको पैसा नहीं मिल रहा है कुछ नहीं वो अपनी मर्जी से उस काम को कर रहे हैं ठीक है तो वो ऐसा क्यों करिए उनका प्रो सोशल बिहेवियर है तो ऐसा क्यों करते, है? करते हैं वो हम स्टडी करते हैं साथ में जो एंटी सोशल बिहेवियर है उसको हम लोग स्टडी करते हैं होस्टाइलिटी ठीक है अग्रेशन प्री ये सब एंटाइट सोशल बिहेवियर है तो इसको भी हम लोग स्टडी करते हैं कि इसमें स्कोप ऑफ ये भी स्कोप किसका है सोशल साइकोलॉजी का ग्रुप डायनामिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ग्रुप बनाए जाते हैं ठीक है किस क्या उनका स्ट्रक्चर होता है क्या हरा की हम उसमें बनाते हैं या फिर सब लोग बराबर होते हैं क्या प्रोसेस होती है और कैसे ये ग्रुप हमें हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएस करते हैं और कैसे इंडिविजुअल एक पूरे इंडिविजुअल के खुद के जो केिस्टिक हैं वो पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं ये सब हम लोग किस में स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में तो ये है स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी और ये एग्जाम में आ सकता है इस चैप्टर से यूनिट वन और यूनिट टू में से कोई भी एक चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आएगा फिर दोनों में से फाइव फाइव मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है मतलब ये दो यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको करके ही जाना है आपको तो आज के लिए इतना ही आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि क्या डेफिनेशन है नेचर और क्या स्कोप है सोशल साइकोलॉजी का नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा मेन थ्री पॉइंट्स हैं सोशल साइकोलॉजी अपना साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी ठीक है और सोशल साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल के थॉट फीलिंग और बिहेवियर को स्टडी करते हैं और सोशल और सोशल साइकोलॉजी में ये जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है ये हम सोशल कॉन्टेक्स में पढ़ते हैं ये मेन चीज है इसकी फिर हमने स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी अपना कवर कर लिया है तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप की वीडियो आपको अच्छे समझ में आए सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए अब तक के नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे एक्सप्लोर करेंगे और उसे कवर करेंगे तो वीडियो में तक बने हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कोई भी क्वेरी कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं और प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना वीडियो को लाइक कर देना इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में